अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं फ्री आइडियाज़। और आज की इस वीडियो में मैं आपको प्लेट्स डालने का तरीका बताऊंगी जो कि हम फिटिंग के लिए या जो कि बहुत हेल्दी साइज लोगों की फिटिंग के लिए प्लेट्स को यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से आपकी कमीज़ एक बहुत ही खूबसूरत शेप में आ जाती है। प्लेट्स की बेसिक्स चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगी, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, कमेंट्स करें और लाइक करना मत भूला करें। और जो न्यू हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पर जाएं, आपको बेशुमार अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब बेसिक्स चीज़ें आपको वहां से पता चल जाएंगी स्टिचिंग की। तो आज हम शर्ट में प्लेट्स डालने का तरीका आपको बताने लगी हूँ। इसमें साइज़ का कोई ताल्लुक नहीं है, आपने ये नहीं कि 14 इंच के तीरे के साथ अलग प्लेट्स हैं या 24 इंच के चेस्ट के साथ अलग प्लेट्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको आज बताऊंगी कि किधर से लेके किधर तक प्लेट को डलना चाहिए और प्लेट का साइज क्या है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक चीज की समझ आ सके और आप इस चीज को कॉपी कर सकें। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पे मैंने प्रेस करके शर्ट की तरह का कपड़ा रख लिया हुआ है, फोर्थ फोल्ड इसको बना लिया है मैंने, मतलब कि इस तरह से कपड़े को सेट किया हुआ है। अभी मैं यहाँ पे जल्दी से जो हमारा नॉर्मल तरीका है तीरे का निशान लेना और कंधे का निशान लेना और चेस्ट का साइज लेना, ये चीजें मैं ले लूंगी। बेसिक्स चीज हमारी आ जाएगी कमर के पास से, वहीं से हमें प्लेट्स चाहिए, प्लेट्स का गैप कितना देना है ये चीज मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। निशान आप लोग खुद देख लीजिएगा, ये साइज मतलब किसी का साइज नहीं मैं बता रही हूँ। तीरा मैंने लिया है 14 इंच पे, तिरछी कटिंग ऑलरेडी मैंने कर ली थी शर्ट की, तो अभी जो कंधा लूंगी वो मैं 8 इंच पे निशान लगा रही हूँ। चेस्ट लेंगे हम 20 इंच, 10 इंच का निशान यानी कि लगा रही हूँ। अब यहाँ से आपने ये काम करना है कि कमर का जो निशान हमें, जहाँ से हमें अपनी फिटिंग चाहिए होती है, जो कि 6.5 इंच का निशान है, वो आपने लगा लिया। अब होता क्या है कि आपने जब प्लेट्स डालनी है तो प्लेट्स के लिए आपको मार्जिन रखना पड़ता है। हमारी प्लेट्स डलती है 1 इंच की और आपको फिटिंग में मार्जिन लेना पड़ेगा 1 इंच का। जैसे आपकी कमर 18 इंच तैयार है तो आपने 19 इंच करना है उसको, यानी कि 8.5 इंच पर निशान लगाना है। अगर आपकी कमर 20 इंच तैयार है तो आपको 1 इंच मार्जिन रखना पड़ेगा, 21 इंच करना पड़ेगा। अगर आपकी कमर 15 इंच तैयार है तो आपको 16 रखना पड़ेगा। ये 3-4 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं कि आपकी कमर जितनी भी है आपने साइज से 1 इंच बढ़ाना है। अभी जो कमर का साइज इस शर्ट पे मैं कर रही हूँ वो मुझे तैयार चाहिए 17 इंच, यानी कि 8.5 इंच, जबकि मुझे प्लेट्स इस शर्ट में डालनी है तो मैं लेने लगी हूँ 18 इंच, यानी कि 9 इंच। कमर का निशान हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लगा लिया है, आपकी फिटिंग जितनी है आपने 1 इंच उसको एक्स्ट्रा लगा लिया। अब प्लेट किस जगह पे आपकी आनी चाहिए ये चीज़ आपके मतलब नॉर्मल है, आप लोगों को इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि कोई बहुत ही स्लिम है या कोई हेल्दी है। बहुत हेल्दी साइज पर आपको थोड़ा सा फ़र्क करना पड़ता है, लेकिन लार्ज तक बिना यही साइज चलेगा। जिन लोगों का लार्ज साइज है उस पर भी आपने क्या करना है कि आप कमीज़ की बंद वाली साइड से 3.5 इंच का निशान लगाना है, कमीज की बंद साइड से 3.5 इंच का निशान लगाना है और निशान कमर के बिल्कुल साथ होना चाहिए। ये देखिए मैं इस लाइन को आगे तक ले आती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ सके। यहाँ से यहाँ तक का निशान हमने 3 इंच 3.5 इंच ले लिया। ये बेसिक चीज़ है, 3.5 इंच आपने प्लेटों का दरमियान निकाला। उसके बाद कुछ लोग इस चीज़ पे कंफ्यूज होते हैं कि हम लोगों ने ऊपर से लेके नीचे तक प्लेट कहाँ से शुरू करनी है, जैसे कि ये है। यहाँ से आप लोग परेशान होते हैं कि 10 इंच पे प्लेट शुरू करें, 11 इंच पे प्लेट शुरू करें, तो इस परेशानी को छोड़ दें। आप सिंपल ये काम करें कि जो ये दरमियान का हमारे पास निशान है इससे 4 इंच ऊपर आपने निशान लगाना है और 4 इंच ही आपने नीचे निशान लगाना है, यानी कि हमारी प्लेट आ गई 8 इंच की। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्लेट को 7 इंच पर भी बनाना चाहिए, लेकिन 7 इंच की प्लेट आपकी कमीज़ को बिठाती नहीं है, फिटिंग नहीं करती है, वो आपकी प्लेट को उल्टा शर्ट को उल्टा और झोल ले आती है। तो 8 इंच की एक परफेक्ट प्लेट का साइज़ है आपने जो फिटिंग के लिए डालनी है। और दूसरी बात ये कि जो लार्ज बंदे हैं उनके लिए भी यही साइज़ रहेगा। XX लार्ज के लिए थोड़ा सा ये साइज़ बढ़ जाता है जब उनकी यहाँ से फिटिंग भी नीचे चली जाती है। उसके अलावा यहाँ से आपने जो ये वाला गैप देना है ना, ये बहुत हद हुई तो 4 इंच आप दे सकते हैं, 4 इंच से ज़्यादा नहीं दे सकते। 3.5 इंच पर बेसिक है, 4 उस सूरत पर है कि जो बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं।
उस सूरत पे। बाकी प्लेट का साइज मैंने आपको बताया। अब जो आगे एक मेन चीज है, कैमरे को मैंने क्लोज सेट कर दिया ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाए। अब यहाँ तक के निशान आपको समझ आ चुके हैं, ये 3.5 इंच का निशान है, यहाँ से यहाँ 4 है, यहाँ से यहाँ 4 है। अब आप यहाँ से भी 3.5 इंच लगा लें ताकि हमारी इक्वलिटी रहे, यानी कि बराबर प्लेट डलें। यहाँ से भी हम 3.5 इंच का निशान करते हैं। अब इन लाइन को आपने जोड़ना है, ये काम आप लाजमी करें ताकि आपकी प्लेट की जो शेप है वो बहुत अच्छी बने। अब देखें हमारे पास ये एक लाइन आ रही है। अब प्लेट का जो हमने ये कमर में 1 इंच बढ़ाया है, यानी कि हमें कमर हमें 17 इंच चाहिए और रखी हमने है 18 इंच। अब उस 1 इंच को प्लेट में कवर करने के लिए आपने ये काम करना है कि आधा इंच दरमियान की लाइन से आपने यहाँ पर निशान लगाना है और आधा इंच इधर मतलब लेफ्ट राइट पे आपने आधा आधा इंच के निशान लेने हैं। ये निशान आपके लग चुके। अब इन निशानों से आपने इसको ऐसे तिरछी शेप देनी है। यहां से भी बना लेते हैं। और ऊपर से भी बना लेना है आपने। ये अगर आप डायग्राम बना लेते हैं प्लेट की तो आपको सिलाई लगाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी, प्लेट बहुत अच्छी एग्जैक्ट जगह पे पड़ेगी। ये देखें, ये बन गई प्लेट की शेप। सही क्लियर नज़र आ रही है? ये बन गई हमारी प्लेट की शेप। अब यहाँ से देखें कि हमने 1 इंच बढ़ाया था, वो 1 इंच हमारा यहाँ कवर हो गया। ये है टेक्निक प्लेट्स की। आप लोगों को ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि हम ऊपर से 11 रखें, 10 रखें, उधर से आके आपकी प्लेट्स हो जाती हैं ख़राब। बाकी थोड़ा सा शर्ट को एक शेप में ले आते हैं और प्लेट की सिलाई लगा के मैं आपको बता दूँगी कि एग्जैक्ट साइज़ तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैं जो निशान ले रही हूँ वो 13.5 इंच पर ले रही हूँ हिप लाइन, और हिप लाइन का जो साइज़ है वो है 20। बाकी ये प्लेट्स फ्रंट और बैक दोनों पे पड़ेंगी। अगर आपने सिर्फ फ्रंट पे लगानी है तो फिर आपको सिर्फ फ्रंट की ही फ्रंट के साइज़ को बड़ा रखना है। अगर आपको सिर्फ बैक पे लगानी है तो आपको सिर्फ बैक के साइज़ को बड़ा रखना है। अभी ये फ्रंट बैक दोनों पे डलेंगी तो आपने इसको ऐसे ऊपर नीचे कपड़े को रख के निशान दूसरी तरफ ज़रूर करने हैं ताकि आपकी इक्वल प्लेटें डलें। इसी मेथड के साथ दोनों तरफ निशान लगा लिए हैं और बैक पर भी निशान लगा लिए हैं। तो अब प्लेट्स किस तरह आपने डालनी है कि प्लेट्स डालने का तरीका ये है कि आपने पकड़नी है शर्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए, जहाँ पे मतलब आपने 4 इंच का निशान लगाया था आपने अपनी प्लेट को वहीं पे शुरू करके वहीं पे ख़त्म करना है, ना उससे नीचे जाना है और ना ही उससे ऊपर। शुरू में आप थोड़ा सा पक्का करें और किनारे पर ही रहें। आपने किनारे पे ही ख़त्म करना है और आपकी मतलब जो प्लेट है वो नीचे तक नहीं जानी चाहिए। प्लेट्स डल चुकी हैं दोनों तरफ। ये देखें इसकी इस तरह से हमने सिलाई ना ऊपर गई और ना नीचे गई, और फ्रंट से ये आ गई हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट साइज़ पर प्लेट्स। और उसके बाद जब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे तो हमारा साइज़ एक्यूरेट तैयार आ जाएगा। अभी दे मुझे इजाज़त हो कि जी खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।